हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा उसके बाद रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जो भी इन फ्यूचर लेक्चर आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल पर मैसेज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में, ठीक है। टाइम पीरियड था इसका 800 to 1200 AD। इसमें हमने राजपूत पीरियड के बारे में देखा था, ठीक है, जिसमें अग्निकुंड थ्योरी जो है वो फेमस थी और जिसको लिखा था, और अग्निकुंड थ्योरी जो है वो चंद्रवरदाई किताब से ली गई थी, ठीक है, और ये बुक लिखा था पृथ्वीराज राठौर ने। ये थ्योरी जो ये फिक्शन बेस्ड है, 100% ट्रू नहीं है, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि जो है अग्निकुंड थ्योरी ने जो है अग्निकुंड थ्योरी में बताया गया कि इससे जो है यहाँ पे एक यज्ञ हुआ था। इस यज्ञ से चार डायनेस्टी निकली थी, जिसको बोलते हैं प्रतिहार, परमार और चालुक्य एंड चौहान, ठीक है। ये हमने कल आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। परमार डायनेस्टी फाउंडर उपेंद्र बताया था, जो बहुत ही कैपेबल राजा थे। इसमें राजा भोज बहुत ही अच्छे थे, ठीक है, और जिन्होंने जो धारा नगरी को कैपिटल बनाया था और वहाँ पे संस्कृत का टेम्पल ही बनवाया था, ठीक है। तो मेट संस्कृत टेम्पल, ये आपको बताया था कल, ठीक है। इसके बाद फिर चौहान डायनेस्टी, जिसके पहले राजा जो थे उनका नाम था वासुदेव, जिन्होंने पहले ही कैपिटल जो है नागौर को बनाया। फिर उस नागौर कहाँ पे, सांभर लेक के पास का एरिया। उसके बाद दूसरा कैपिटल जो उन्होंने अजमेर बनाया। सेकंड इसके जो राजा थे उसको अरुणराज या अरुणराजा बोलते थे, जिनका लड़का या सन जो है बोल सकते, उनका नाम था विग्रह राजा विसलदेव। उन्होंने क्या लिखा था, हरिकेली नाटक एक बुक लिखी थी, जो एक संस्कृत ड्रामा थी, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था, और ये भी मैंने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान की कोई एक मूवी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अक्षय कुमार की भी मूवी है और भी कई सारी हैं, कोई भी एक मूवी देख लीजिए जिससे पृथ्वीराज चौहान का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना याद रखना कि कौन कौन से बैटल कब हुए, ठीक है। तो पहला तराइन का युद्ध हुआ था, जो हरियाणा में था 1191 में, वो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था, ठीक है, और गौरी को फिर उसके बाद छोड़ दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को छोड़ दिया था। गौरी को कहीं पे स्पेलिंग जो आपको घोरी भी लिखा मिलेगा, ठीक है, GHORY, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, घोरी। इसके बाद जो है जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको जो है प्यार हो गया था किसी संयोगिता लड़की थी जयचंद राजा की, ठीक है, और जयचंद को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए जयचंद ने जो है दोबारा गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए, ठीक है। तो सेकंड बैटल हुआ था, ये भी सेकंड बैटल ऑफ तराइन था। ये कब हुआ था, जस्ट एक साल बाद, पहला 1191, दूसरा 1192, ठीक है। ये भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान का थी, पृथ्वीराज इसमें जीत गए थे। और उसके बाद तीसरा बैटल जो हुआ 1194 में हुआ, ये हुआ था बैटल ऑफ चंदावर। उसमें क्या हुआ, गौरी ने पहले तो पृथ्वीराज चौहान को हरा के मार दिया, दूसरी बार जो है जयचंद को हरा के मार दिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अब हम जो है अर्ली मिडिवल इतना ही था, मिडिवल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बताया था जो है गौरी और गजनबी के जो है कह सकते हो अटैक हुआ था इंडिया पे, और फिर स्लिप डायनेस्टी का स्टार्टअप हुआ था। फिर आपको टेम्पल वगैरह बताया था, टेम्पल के बाद में जो है टेम्पल तो भी नहीं पढ़ा है, टेम्पल किसी दिन पढ़ा दूंगा आपको, यहाँ पे टेम्पल का आर्किटेक्चर जो है, ठीक है, और ये स्टेचू के बारे में बताया था कि स्कल्पचर कैसे कैसे बने थे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कैसे थे, साउथ इंडिया में कैसे थे, गंधार स्कूल, मथुर स्कूल और अमरावती स्कूल, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया। इसको मेडिवल या मेडिवल इंडिया दोनों बोलते हैं, ठीक है, मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में हम सबसे पहले देखेंगे क्या हुआ, मुस्लिम इन्वेजन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको सीक्वेंस पता चल गया होगा कि हाँ कैसे कैसे हम जो है एंशियंट इंडिया से मिडिवल इंडिया की तरफ बढ़े, ठीक है। तो एक बार मिडिवल इंडिया पढ़ने से पहले एंशियंट इंडिया के लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। इसमें जो है दो आक्रमण हुए मुस्लिम इन्वेजन में, एक था अरब इन्वेजन
ठीक है, अरब लोगों का आक्रमण, एक अरब इन्वेजन, ठीक है, और दूसरा जो था वो तुर्क लोगों ने किया था, ठीक है, तुर्क इन्वेजन। जो अरब इन्वेजन हुआ था इसमें जो है मोहम्मद कासिम आया था, ठीक है, इसमें कौन आया था, किसने अटैक किया था, इसमें किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। टाइम पीरियड जो है 712 713 के आसपास का था टाइम पीरियड, ठीक है, 712 13। और जो तुर्क इन्वेजन था इसमें जो है दो लोग थे, एक था मोहम्मद गौरी, दो नहीं सॉरी तीन, एक था आपका सुबुक्तदीन, ठीक है, सुबुक्तदीन ने भी पहले आक्रमण किया था, ठीक है, उसके बाद महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने, ठीक है, ये वो थे जो वापस चले गए, ठीक है, और उसके बाद में फिर ये मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, कहीं पे गौरी कहीं पे गौरी लिखा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में जो है घोरी लिखा मिलता है, GHORIS, ठीक है। हम देखते हैं अब आगे अरब इन्वेजन, हेडिंग डालेंगे हम अरब इन्वेजन, अरब इन्वेजन, ठीक है। इसमें कौन आया था, इसमें आया था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन था, ठीक है, किसी मुस्लिम ने इंडिया पे पहली बार आक्रमण किया था, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, ठीक है। जो पहला आक्रमण इसने किया वो किया 712 AD में, पहला आक्रमण कब किया इसने, 712 AD में, ठीक है, और एरिया जो इसने कब्जा किया वो सिंध को जीता था, सिंध को कंक्वर्ड किया था, ठीक है, और वहां पे जो राजा दहिर थे उनको हराया था, डिफीटेड किंग दहिर, ठीक है, दहिर या दाहिर। उसके बाद जो उसने सेकेंड इन्वेजन किया इंडिया पे वो एक साल बाद तुरंत किया, इसमें क्या उसने मुल्तान वाले एरिया पे कब्जा किया, ठीक है, मुल्तान वाले एरिया को जीता, ठीक है, और इसके बाद इसने जो है उस एरिया को जीत के और उस पे जो है अपना टैक्स इम्पोज किया उस एरिया पे, उस टैक्स का नाम था जजिया, एक टैक्स इम्पोज किया, टैक्स इंपोज किया जिसका नाम था जजिया, ठीक है, और ये टैक्स किस पे लगता था, नॉन मुस्लिम पे, जो नॉन मुस्लिम थे उनके ऊपर ये टैक्स लगता था। तो सिंध एरिया है, ठीक है, सिंध एरिया को अगर आप देखना चाहें तो इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, तो जो ये वाला एरिया ये सिंध प्रांत है, ठीक है, राजस्थान से लगा हुआ एरिया जो है ये आपका सिंध प्रांत है, ठीक है, राजस्थान गुजरात वाला एरिया ये सिंध है, और यानी पाकिस्तान का एरिया लगभग, पाकिस्तान सॉरी कह रहा हूँ, पंजाब का एरिया जो पाकिस्तान और इंडिया में मिला हुआ वो एरिया सिंध कहलाता है, ठीक है, और इसी के साथ जो मुल्तान वाला एरिया है वो थोड़ा सा इंडिया के अंदर आकर के ये क्या है, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे जो है वो मुल्तान आज की डेट में, ठीक है, तो लगाया इसने क्या, जजिया कर पड़ रहे थे हम, ठीक है, तो जजिया टैक्स जो इम्पोर्ट लगाया वो किस लिए लगा था, ये था सिक्योरिटी पर्पज के लिए,
सिक्योरिटी पर्पज के लिए, ठीक है, जिससे क्या है अगर कोई एक्सटर्नल इन्वेजन होता है, ठीक है, तो उससे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते थे फॉर सिक्योरिटी पर्पज, ठीक है, एक्सटर्नल अटैक अगर कोई होता है तो, ठीक है। अच्छा, ये टैक्स जो है वो 5 लोगों पे नहीं लगता था, जो नॉन मुस्लिम में भी 5 लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, फाइव टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, 5 तरीके के लोगों को इंक्लूड नहीं करता था। उसमें क्या था, बच्चे थे, ठीक है, ओल्ड मैन जो थे, ठीक है, हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप जिसको बोलते हैं, हैंडीकैप्ड पर्सन, और ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी छूट दिया था, ठीक है, और पांचवा जो थे वो वुमेन, ठीक है, वुमेन को भी छूट दिया था इसने। तो याद रखिएगा, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ठीक है, और जो हैंडीकैप हैं उसके साथ ही ब्राह्मण और वुमेन, इनको इसने छूट दिया था, ठीक है। इसी टैक्स को जो है, जो ये टैक्स है, याद रखना, आगे क्वेश्चन बनता है, जजिया अगर किसने स्टार्ट किया था तो वो स्टार्ट किया था जो है मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। इसी टैक्स को आगे यहाँ पे इसने ब्राह्मण पे नहीं लगाया था, ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसको ब्राह्मण पे भी इम्पोज कर दिया था। तो यहीं पे नोट कर लीजिएगा, फिरोज शाह, ठीक है, तुगलक ने किस पे इम्पोज किया था, इम्पोज ऑन ब्राह्मण, ठीक है, तो ब्राह्मणों पे ये इम्पोज किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और इस टैक्स को खत्म किसने किया था, इस टैक्स को खत्म किया था अकबर ने, अकबर ने क्या किया था, अकबर ने जजिया कर को एंड किया था, ठीक है, एंड टैक्स, कौन सा, जजिया, ठीक है। और उसने ये कहा था कि ये जो है किसी धर्म और जात के बेसिस पे टैक्स लगाना जो है वो क्या है, वो इलीगल है, ठीक है, इलीगल है, किस बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन, ठीक है। और इसके साथ ही जो है औरंगजेब ने दोबारा इस टैक्स को स्टार्ट किया था, औरंगजेब ने दोबारा स्टार्ट किया था, यानी दोबारा इम्पोज किया था जजिया टैक्स, ठीक है। और उसके बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला जो आया था, ठीक है, फाइनली उसने जजिया को एंड किया था, मोहम्मद शाह रंगीला, इसने जो है फाइनली जजिया को एंड किया था, ठीक है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हो गया आपका अरब इन्वेजन, अरब इन्वेजन के बाद तुर्क इन्वेजन, दूसरा क्या बताया था आपको, मुस्लिम इन्वेजन दो थे, एक अरब, अरब आपको बता दिया, दूसरा क्या था, तुर्क इन्वेजन, तुर्क इन्वेजन, ठीक है। तुर्क इन्वेजन में पहले बताया था आपका कौन आया था, फर्स्ट आया था इसमें सुबुक्तगीन, कहीं पे सुबुक्तदीन लिखा रहे, कहीं पे सुबुक्तगीन, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सुबुक्तगीन, टाइम पीरियड 986 AD, ठीक है। ये गुजरात वाले एरिया पे, गुजरात और राजस्थान वाले एरिया पे इसने जो है प्लंडर किया और उसको रिटर्न हो गया उसके बाद। तो एरिया क्या था इसका, गुजरात एंड राजस्थान, गुजरात और राजस्थान वाले एरिया पे इसने हमला किया, आक्रमण किया, उसको जो है लूटा और फिर वापस चला गया, तो वो प्लंडर्ड एंड रिटर्न, तुर्क इन्वेजन में ही फर्स्ट फेज में ही, ठीक है,
फर्स्ट फेज में कौन आता है? मोहम्मद महमूद गजनवी, ठीक है। सुबुक्त गीन के बाद आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है इसका टाइम पीरियड था, यह आया था 1001, 1001 से 1027 के बीच। इसने जो है 17 बार आक्रमण किया भारत पे, 17 टाइम्स अटैक किया इसने, ठीक है। और इसने जो है 1025 में, ठीक है, 1025 में जो है ये 16वीं बार था इसका, ठीक है। इसमें जो है सोमनाथ टेम्पल को लूटा इसने, कहाँ पे? सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। इसको क्या किया, इसने रेड किया और उसको लूट लिया, रेडेड एंड ठीक है प्लंडर, कब? 16वीं बार, ठीक है। और 1027 में ये जो है 17वीं बार, 17 टाइम जो है ये जो है फिर आक्रमण किया, किसके ऊपर? जाट के ऊपर, अटैक अगेंस्ट जाट पीपल, ठीक है। महमूद गजनवी के टाइम के जो है तीन फेमस हिस्टोरियन थे, इतिहासकार, ठीक है, जिनसे जिनकी किताबों से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो इसमें थ्री फेमस हिस्टोरियन कौन थे इसके टाइम पे? इसके टाइम पे तीन फेमस हिस्टोरियन थे, ठीक है, तीन इतिहासकार थे। एक था उत्बी, ठीक है, जिसने लिखा था किताब उल यामिनी, ठीक है। इसके बाद दूसरा था फिरदौसी, ये कवि था। फिरदौसी क्या था? ये कवि था, ठीक है। इसने लिखा था शाहनामा, शाहनामा। और इसी के साथ आया था अलबरूनी, ठीक है, ये स्कॉलर था, इसने लिखा था किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, या इसी को बोलते हैं तहकीक के हिंद, तहकीक के हिंद, ठीक है। मोहम्मद जो महमूद गजनवी है इसको हम भूत शिकन भी बोलते हैं। महमूद गजनवी को क्या बोलते हैं? इसको हम भूत शिकन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भूत यानी भूत शिकन। भूत शिकन का मतलब होता है स्टेचू डिस्ट्रॉयर, क्योंकि इसने बहुत सारी मूर्तियां जो है मंदिर को तोड़े हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम भूत शिकन के नाम से भी जानते हैं। और ये आते कहाँ थे से? मतलब ये जो है अफगान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया से आते थे। वहां पर क्या है ना, हिंदू कुश रेंज है, पहाड़ है, माउंटेन है, तो ये लोग जो है वहां पे गोमल पास और खैबर पास, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस पास के थ्रू ये लोग आते थे, तो वहां पे है गोमल पास, माउंटेन के बीच में, गोमल पास एंड खैबर पास। खैबर पास ये कहाँ पे है? ये आपका हिंदू कुश माउंटेन, हिंदू कुश माउंटेन वाली रेंज, ठीक है, किसके किसके बीच में? ये है पाक यानी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। इसके बाद जो इसका सेकंड फेज है तुर्क इन्वेजन का, सेकंड फेज में, सेकेंड फेज, सेकेंड फेज में जो है वो आता है मोहम्मद गौरी,
मोहम्मद गौरी, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी, ठीक है। ये क्या था, एक ट्राइबल कास्ट का व्यक्ति था, ठीक है, एक ट्राइब से रिलेटेड था। ये क्या था, तुर्क का था और ये ट्राइबल कास्ट का था एक, ठीक है, जनजाति से बिलोंग करता था। क्या था, एक ट्राइबल कास्ट, ठीक है, यानी ट्राइब का था ये, जो अफगानिस्तान में था, ठीक है, अफगानिस्तान वाले एरिया से, एक ट्राइबल कास्ट से बिलोंग करता था। और मोहम्मद गौरी जो है, इसको जो है मैनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम या साहिबुद्दीन के नाम से ही बुलाते हैं, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है मोहम्मद गौरी का, जो उसका पूरा नाम है वो है मैनुद्दीन मैनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम या शिहाबुद्दीन, ठीक है। बात क्या है ना, ये जो है राजा बना था 1173 ईस्वी में, किंग बना था ये, यानी रूलर 1173 ईस्वी में, इसको जो है राज सिंहासन मिला था, इसका कोरोनेशन हुआ था, कोरोनेशन उसका हुआ था 1173 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, 2 साल बाद जस्ट 1173 में क्या होता, कोरोनेशन इसका हुआ था, ये राजा बना था, और जस्ट उसके 2 साल बाद 1175 में इसने क्या किया, इसने अटैक कर दिया राजस्थान वाले एरिया, ठीक है, राजस्थान वाले एरिया पे। और वहां के जो राजा भीमसेन सेकंड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको जो है हरा दिया, ठीक है। इसने अटैक किया राजस्थान पे और डिफीट इसने किया, डिफीटेड बाई बाई किंग भीमसेन, भीमसेन सेकेंड, ठीक है, जो राजस्थान और एरिया के राजा थे भीमसेन द्वितीय, उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को हटा दिया। ये पहला डिफीट था जिसमें तुर्क राजा जो है वो हारा था, ठीक है, ये फर्स्ट डिफीट थी, पहली हार थी उसकी तुर्क की। इसके बाद क्या हुआ, ये वापस चला गया और इसने जो है लाहौर वाले एरिया को कब्जा किया और लाहौर को जो है अपना केंद्र बनाया। ने क्या क्या मेड लाहौर, इसने लाहौर को केंद्र बनाया, ठीक है, और उसके बाद जो आसपास का एरिया था उसको इसने कैप्चर करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, कैप्चर सराउंडिंग एरिया, ठीक है। उसके बाद इसने जो है भटिंडा पंजाब वाले एरिया को कैप्चर किया, ठीक है, और उसके साथ साथ इसने जो है पृथ्वीराज चौहान से डिस्प्यूट स्टार्ट कर दिया। इसके बाद इसने किसको कैप्चर किया, उसके बाद कैप्चर किया इसने भटिंडा को, ठीक है, जो एरिया था पंजाब का, ठीक है, और उसके बाद इसने डिस्प्यूट किसके साथ स्टार्ट कर दिया, डिस्प्यूट स्टार्ट कर दिया इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ, चौहान, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज थर्ड,
पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, अब जैसे इसके साथ डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ तो अब बैटल तो होना फिक्स था। तो इसी के साथ आपको अभी इससे पहले जब बता रहा था आपको चौहान डायनेस्टी, तो उसमें आपको बताया था मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई हुई थी इसकी। अभी क्या, अब हम गौरी को पढ़ रहे हैं, तो गौरी के साथ भी जो जो चीज़ें हुई हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ वो हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने भटिंडा वाले एरिया को कैप्चर किया और पृथ्वीराज चौहान के साथ किया और डिस्प्यूट स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो है लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। तो जो पहला बैटल हुआ 1191 में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तराइन का फर्स्ट बैटल, तराइन का फर्स्ट बैटल। ठीक है, ये किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और गौरी जो है वो हार गया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड बैटल जो हुआ था वो हुआ था तराइन का ही जस्ट 1 साल बाद। इसमें क्या होता है, आपको बताया था कि स्टोरी बता रहा था जयचंद की लड़की संयोगिता जिसकी शादी किसके साथ हुई थी, पृथ्वीराज चौहान के साथ। और ये चीज़ जो है जयचंद को पसंद नहीं थी और जयचंद ने जो है मोहम्मद गौरी के साथ एक कॉन्स्पेरेसी की और फिर उसके वजह से जो है जो सेकंड बैटल था तराइन का उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने डिफीट कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ 1192 में तराइन का सेकंड बैटल। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ, ये भी हुआ किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान एंड गौरी के बीच में। इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो है हार गया। ठीक है, और गौरी जीत गया। किसके किसके वजह से, विद द हेल्प ऑफ जयचंद। ठीक है, इसके जस्ट इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने जैसे देखा कि पृथ्वीराज चौहान तो गया, ठीक है, अब राजा जयचंद जो है वो अकेले बचे हैं, अब इनको छोड़ेगा थोड़ी वो। इसने क्या किया, जस्ट 2 साल बाद, 2 साल बाद यानी 1194 में क्या किया, इसने तीसरा बैटल छेड़ दिया जयचंद के साथ और उस बैटल का नाम था चंदावर। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर, जो बैटल ऑफ चंदावर हुआ इसके बीच हुआ, बैटल ऑफ चंदावर हुआ ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, जहर जी बात, इसमें क्या हुआ, गौरी जीत गया और इसको जयचंद को मार दिया इसने। ठीक है, इसके बाद इसी का जो है एक कैप्टन था जिसका नाम था खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, सॉरी बख्तियार खिलजी, इसका एक कैप्टन, इसका मोहम्मद गौरी का एक कैप्टन था। ठीक है, तो डेट लिखे 1198 क्या हुआ, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो आपको इससे पहले पढ़ा रहा था, तो अभी आपको बताया था कि जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गौरी का कैप्टन था, और उसकी जगह पे उसने क्या, बिहार शरीफ सिटी इस्टेब्लिश की थी नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी, ये कैप्टन था मोहम्मद गौरी का, कैप्टन ऑफ मोहम्मद गौरी। ठीक है, और इसकी जगह पे क्या किया इन्होंने, इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद बिहार शरीफ सिटी की स्थापना की थी, इस्टेब्लिश किया था बिहार शरीफ सिटी। बिहार शरीफ शहर की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गौरी वापस चला गया और इसने जो है अपने तीन जो स्लेब्स थे इसके, ठीक है, अपने तीन गुलामों को यहाँ पे दिल्ली वाले एरिया में आसपास इंडिया में छोड़ गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसके जो तीन फेमस कह सकते हो थे, तीन फेमस स्लेब को ये यहाँ पे इंडिया में छोड़ गया, तीन फेमस स्लेब ऑफ मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसमें पहला था, इसका नाम था
तजद्दीन यल्दीज। नाम थोड़ा सा टफ है तजद्दीन, लेकिन आप इसको लिखेंगे ना दो तीन बार पढ़ेंगे तो सही लगेगा आपको, तजद्दीन यल्दीज। ठीक है, इसको जो एरिया दिया था वो दिया था अफगानिस्तान और पंजाब के बीच में, अफगानिस्तान एंड पंजाब के बीच में। ठीक है, सेकंड जो था उसका नाम था नसीरुद्दीन कुबाचा। नसीरुद्दीन कुबाचा, ठीक है, इसको एरिया दिया था मुल्तान और सिंध के बीच में, मुल्तान एंड सिंध के बीच का एरिया इसको दिया था रूल करने के लिए। और जो तीसरा था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको एरिया दिया था दिल्ली और लाहौर के बीच का। ठीक है, एरिया बिटवीन दिल्ली एंड लाहौर। ठीक है, इसमें क्या था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये ही कह सकते हो ये दिल्ली प्रॉपर इंडिया में था, दिल्ली और लाहौर वाले एरिया में। ठीक है, और ये ही सबसे उस टाइम का कैपेबल स्लेव था जिसने जो है अपनी चीजें जो है आगे बढ़ाई एज ए डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया जो है अपना एक वंश स्थापित कर लिया इंडिया के अंदर, और फिर जो है अपना वंश ही चलाया जिसको हम क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली अब स्लेव डायनेस्टी से। ठीक है, और इस दिल्ली सल्तनत में जो है, दिल्ली सल्तनत के बाद फिर हम, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिल्ली और लाहौर दिल्ली के आसपास का एरिया है। ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, अब स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो आपको कह सकते हैं डायनेस्टी जो आएगी, स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत, मिडिल इंडिया में दिल्ली सल्तनत। इसमें जो है आएगा पहला, वो आएगा गुलाम डायनेस्टी जिसको हम सिलेब डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक, सिलेब के बाद फिर आपका आएगा खिलजी, खिलजी के बाद फिर तुगलक। ठीक है, और तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोदी। ठीक है, फिर हम मुगल डायनेस्टी पे स्विच कर जाएंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।